मैं निर्मल सिंह बाग, कौन से गांव के? खोरापाली का कोटवार हूँ। अच्छा, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ, सिर्फ ज्यादा समस्या तो सरपंच और सचिव के नाम से समस्या है। सरपंच ला बोलते हो कोई भी चीज ला, हाँ कही, और सचिव वो काम ला करे नहीं। महिला मन एक दिन बहुत ज्यादा ओकर पर आगे आगे रहीन, मैं रहले दिन सचिव ला मार दे रहीन महिला मन। मैं महिला मन समझा कि वो काम हर हो जाही, एक बार ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। और वो बोली कि मैं कल आता हूँ कि तो अभी तक काल नहीं आई, हो गया 2 महीना। एक तो बड़े समस्या पानी भर। सचिव का नाम क्या है? का प्रधान है? जैन बारिक, दूधीपाली के निवासी है। और कोई भी चीज ला बोली हो सामने में, हाँ बोल दी। और भगे के बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे क्या उखाड़ लेंगे करके यहाँ से भगता है, कुछ ही नहीं करता है। अच्छा, मुख्य समस्याएं क्या क्या है? मुख्य समस्या पानी का समस्या ज्यादा है मेरे गांव में। हाँ। बहुत ज्यादा परेशान है हमारे यहाँ। यहाँ के लोग नाला खंड से तालाब पानी लेने जाते हैं, 50 बार बोरिंग बनाने वाले को फोन करते हैं, हाँ आ रहा हूँ करके बोलता है, वो भी नहीं आता है। यही सब समस्या है। जब हमने स्कूल भी गया था वहाँ भी देखा कि मतलब बच्चे लोग पानी की दिक्कत है। हाँ, बच्चे लोग भी पानी नहीं पा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं बच्चे लोग भी पानी। छोटे छोटे बच्चे लोग आ रहे हैं, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बता रहे थे कि बाहर से लाते हैं पानी। हाँ, नहीं सही बात है। सरपंच को हमने कई बार कहा लेकिन सरपंच जी सुनते नहीं। सरपंच सचिव कोई नहीं सुनते हैं भैया। सरपंच जी का क्या नाम है यहाँ? क्या नाम है? नीला भाई। क्या वो अभी आपके गांव आते हैं आश्रित ग्राम के भी देखने के लिए? नहीं, वो उसका लड़का आता है, सरपंच नहीं आता है। सरपंच जी नहीं आता, उनका लड़का आता है। उसके लड़का आता है। उनके लड़का क्या बोलते हैं जब आप बताते हो? हाँ, वो बताते हैं तो ठीक है, काम हो जाएगा, सचिव को बोल रहा हूँ, बोलते हैं काम नहीं होता है। अच्छा जी, वो हम लोग सीधा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपको बताएंगे? जी, मेरा नाम द्रुपद कुमार चौहान है जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और हम लोग इस्टीमेट बना लिए थे बोर का, बोर खनन के लिए जी। तो जैसे ही यहाँ मतलब आने वाला था उसी दिन पानी गिर गया, यकीन नहीं है। तो ये पंच हो गया और क्या बोलते हैं हमारे सुकिशन भाई को पूछ लीजिए। उसके बाद पानी गिर गया और फिर खेती शुरू हो गया जी। तो इस्टीमेट ज्यों का त्यों रह गया। तो अब जैसे मतलब बारिश बंद होता है और फसल कटाई हो जाता है उसके बाद ना तुरंत लगा देंगे गाड़ी। का नाम है तोर? श्याम भाई टांडी। अच्छा, ये पानी की समस्या हर के कतक महीना ले है? 6 महीना ले आगे हो गए। अच्छा, मतलब गर्मी बरसात से जिनके पहले ले। तो वो सरपंच प्रतिनिधि तोर कहते हैं कि अभी इस्टीमेट बना रहे हैं, तो कर पहले उनका वो पानी के किल्लत के समस्या दूर करे कोशिश कर रहे हैं इनका सरपंच? नहीं करे के। बीच बीच में हम लोग बोर लगाए थे, वहाँ लगाए थे जी, और ये बीच में भी लगाए थे, है ना। बोर देखो तो तुरंत पता नहीं कैसे हो जाता था, तुरंत उड़ जाता था, फिर लगाते थे फिर उड़ जाता था। और यकीन है ना, तो हमारे पंच महत सरपंच प्रतिनिधि जी, खोरापाली के लिए आपने मतलब विगत 4-5 सालों में, अभी आपका जो 4 साल कार्यकाल रहा उसमें आपने पानी के लिए कितना बोर और हैंडपंप का वो किया है? यहाँ तो सिर्फ सर अभी एक गोठान में खुदाया है जी, है ना। नहीं, ग्रामीणों के लिए बोर है, ग्रामीण में अभी वो हैंडपंप चल रहा था सर जी। बीच में अभी मतलब बोर एक आठ खुदाई के हिस्सा? नहीं, अभी नहीं खुदाया है सर। अच्छा, एक बोर भी नहीं? हाँ, एक बोर भी नहीं हुआ है। क्या हैंडपंप चल रहा था जी, और जैसे पानी का समस्या होता था तो बीच बीच में हम लोग बोर है तो हम लोग दे देते थे। तो इस बार क्या हुआ, दोनों उड़ गया समझो, तो इसीलिए एस्टिमेट बनाए थे तुरंत। उसके बाद जैसे बनाए उसके बाद वही मैं बताया जो पहले। स्कूल का क्या हालचाल है, मतलब अतिरिक्त भवन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कभी एस्टिमेट भेजा है ऊपर अधिकारियों को कि बच्चे का ये है बोल के? जी जी जी। क्या कर रहा है इसमें? तो हम लोग स्कूल के वो क्या बोलते हैं जो स्कूल नहीं हो गया है, टूट फूट गया है, तो उसके लिए हम लोग प्रस्ताव दिए थे कि भवन बनने के लिए जी, मतलब सुधारने के लिए उसको, वो तो मरम्मत के, हाँ मरम्मत के लिए। मेरे को तो नहीं लगता वो मरम्मत हो पाएगा, क्योंकि अभी का तो पूरा खंडर हो चुका है। हाँ, खंडर हो चुका है। तो हम लोग अब नया प्रस्ताव देंगे सर, अब नया बनवाने के लिए, है ना। रोड का हालत काफी खराब है, आप देख रहे हैं बच्चे मतलब नहीं। इसके लिए सीसी रोड पास हो गया सर, अभी अभी हुआ है जस्ट। कौन से मत से हुआ है ये? मतलब कि विधायक मत से हुआ है। विधायक मत से और क्या क्या काम मिला है आपके यहाँ पर? विधायक मत से हम लोगों को सामुदायिक भवन मिला है जी, और एक रंगमंच मिला है, और वो रंगमंच का अभी पैसा मतलब वो नहीं हुआ है, और ये अभी अभी जस्ट ये आया है। ग्राम पंचायत खोरापाली के लिए क्या क्या विकास किया आपने, मतलब आश्रित ग्राम है आपके? हाँ, पंचायत वही एक बन रहा है, एक सामुदायिक भवन बन रहा है सर,
और कुछ समस्या तो नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज्यादा पानी के समस्या। हाँ, वही पानी का, जैसे ही फसल कटेगा ना सर, यहाँ 100% बोर लगेगा। उसके पहले ग्रामीण लोग किसमें हम अपना निराशित करें? वही मैं जगह जगह में बोर जैसे है ना, वहाँ पानी हम लोग दे देते थे, वहीं से लाते थे। अभी अभी के वर्तमान में, क्योंकि इन लोगों को बहुत शिकायत है कि हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, आप सुने हो? तो अभी तो बारिश है सर, तो क्या है बोर नहीं खुदा पाएंगे। लोग क्या करेंगे अपनी व्यवस्था, बाहर से ही करेंगे वैसे आपका कहना? हाँ, तो क्या है, नहीं नहीं यहाँ पे बोरिंग वोरिंग भी है ना सर, यहाँ पे नजदीक में भी है, यहाँ से अभी। हाँ, तो पहले बनवाओ, देखो लोग जा रहे हैं बाहर पानी पीने के लिए, है ना। क्या बोलना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हल्दर बाग है। हाँ। ग्राम खोरापली का हूँ। हाँ। तो बच्चे लोग जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, पानी पीने के लिए ना वहाँ जाते हैं पानी के लिए, तो पहले स्कूल का बोरिंग बनवाएं, बाहर का अंदर का दो साइड है, उसको पहले बनाए, उसके बाद ना बाकी का बनाएंगे इन लोग, है ना। तो आप कभी शिकायत किए सरपंच जी से? कई बार कर चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं इन लोग, सचिव नहीं देते हैं, सरपंच नहीं देते हैं, कर देंगे जी काम हो जाएगा बोलते हैं। समस्या कितने महीने से है, कितने बार बोले हैं आप सरपंच जी को? बताइए। 3-4 बार बोल चुके हैं इसको। अच्छा। ऐसे गर्मी महीने में भी बोले हैं, अभी गाड़ी फैल जाएगा, गाड़ी लाओ बोर करवाओ। हाँ ठीक है ठीक है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आज सवेरे आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं, ठगते हैं इन लोग सरपंच सचिव लोग। सरपंच प्रतिनिधि, क्योंकि चौधरी परिवेश से मेरे ख्याल से 50% राशि पेयजल में सर खर्च करना है, आपको पता है? वही तो कर रहे हैं सर। नहीं हो रहा, आपने कितना खर्चा किया खोरापाली, आप देख रहे हैं कितना खोरापाली में? देखो सर, ऐसे देखा ना, मैं तो धन मोती है। का का समस्या है गाँव में बता? समस्या बहुत है, मोर लड़की खत्म हो गए। हाँ, कैसे? 8 महीना हो गए, विकलांग वाली रही। हाँ, तो ओकर पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा पर बहुत कोशिश कर रहे, नहीं तो पुत दर तो नीच बना दी से, अभी तक ले 8 महीना हो गए। जो दिन खत्म होगा दिन वो का है, लड़की के नाम का है? मैम भाई, आज 8 महीना हो गए? हाँ 8 महीना हो गए। तो सरपंच सचिव लोग कहे? हाँ इधर पूछना। अच्छा, तो क्या कहते हैं सरपंच सचिव? हाँ हाँ हो जाए, कहते हैं सचिव ला फोन कर देते, घर ला भी आ रही सचिव, गोलगोला होके कहे और विकलांग वाली है, और एक दूठा जमा भी है, तो वह निकल जाए कह के कोशिश करें। तो मोर दूठा लड़का रही, दोनों लड़का खत्म हो गई, अरे लड़की भी खत्म हो गए, मैं का दुख ला बताऊँ। लेकिन विकलांग प्रमाण पत्र बना के कोई नहीं दी से? नहीं दी से, लोग नहीं बना सकते। ये लोग, उनका कहना है कि नहीं, ये लोग नहीं बना सकते हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दे सकता है? मृत्यु प्रमाण पत्र सचिव बना के देता है, और उसमें ना जैसे हम लोग नहीं, सरपंच नहीं बना देता है उसमें। नहीं ठीक है, मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे ख्याल से 15 दिन से 1 महीना के अंदर बनाना है। इनका 8 महीना हो चुका है, 8 महीना सचिव एक बार भी नहीं आए हैं? नहीं रोज आते हैं सर, रोज आते हैं, तो काम मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी लापरवाही है। जी जी जी। जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण, मैं 2-3 बार ये मुझे बोले थे, मैं उसके बाद बोला था फोन करके जी, तो बना दूंगा ऐसा बोले थे। तो अब आप अच्छे भाई, सचिव के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप अपने सचिव से? अभी सचिव तो सही तो काम कर रहा है सर, देखो तो पेयजल के लिए है थोड़ा। अच्छा, ना ये मृत्यु प्रमाण पत्र 8 महीना में नहीं बना, फिर भी आपको लगता है कि ग्राम पंचायत का सचिव सही काम कर रहा है? 8 महीना में नहीं बन पाया, वो मेरा ध्यान से उड़ जाता है सर, क्यों बीच बीच में मैं बोलते रहता हूँ, है ना, तो जैसे ध्यान से आता है तो ध्यान से उड़ जाते हैं, क्योंकि ये महिला भी रो रही थी आपके सामने में, तो इनका कष्ट आपको नहीं दिखाई देता है क्या? बहुत बार बोला हूँ मैं सचिव को, नहीं तो आपका बात नहीं मानता है सचिव? सचिव क्यों नहीं मानेगा? तो आप लेकिन ला दूंगा बोलता है, नहीं लाता है, मैं क्या करूंगा सर? वही तो बोल रहा हूँ, हाँ। आपका बात नहीं मानता है ना, तभी तो सचिव। हाँ। आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे संतुष्ट है बोल के, जब एक महिला सामने में रो रही है, उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आज 8 महीना हो गया, जब आप एक मृत्यु प्रमाण को आप जारी नहीं कर सकते, तो आपको लगता है कि आप इन लोगों को बोर खुदा के देंगे? नहीं नहीं, आप करवा देंगे सर, उसको ना अब जब आएगा ना उसको अच्छा से बोलूंगा अभी, है ना, किला दे बोल सर। ये बताइए, इस 8 महीने में जो महिला जो कष्ट झेल रही है, उसके आप कुछ जवाब है क्या आपको? नहीं अब जवाब नहीं है, क्या है कि आप 8 महीना हो गया, आप बोल रहे हैं कि मैं सचिव के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ बोल के। नहीं नहीं, अब किन कार्यों से संतुष्ट है, क्योंकि इनका तो कहना है कि सचिव बात ही नहीं मानता है ना, हेड पंप को बना के दे रहा है ना, वो मतलब बोरिंग को ना, आपके स्कूल का पता है, हैंड पंप को हम लोग फोन करते हैं सर। अभी आप तो बोले कि जब पानी खत्म होगा तब इन लोगों का पेयजल का व्यवस्था होगा, क्या सरकार से बजट नहीं आता है क्या? बजट आता है, लेकिन कहाँ से बोर लाएंगे सर, अभी तो फसल लग गया है दोनों तरफ, तो आप कहीं से किसी बोर से आप किसी व्यवस्था नहीं दे सकते हो? तो वही तो हम लोग वहाँ लगाए थे, अभी बीच में तो उड़ गया है। अभी का बात बोल रहे, देखो
आप बताइए, आपने किन उच्च अधिकारी को और शिकायत किया है? कौन से कहा? और कोई ऊपर के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनी? मोर बेटा रहती तो मोर बेटा मन कूद कूद के बनवा थी, मोर बेटा घोले नहीं है, एक था बेटा के दही बुआ नहीं है पढ़ा थे और चौथी मोर समस्या के कते ला बता। लड़का के नाम का जगह मृत्यु हुई सोकर एक जलधर तो दोनों को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बने? ओ मन के हो गई से अभी हाँ। बेटी के नहीं बने और सती का वर्क है। सचिव का कब सचिव ले बैठे हैं? हाँ बैठे हो घर में सामने में रो रो के कहे हो तो का कथे? और नाती है रड़क बढ़े 20 साल के। सचिव का कथे? हाँ पठो दे तो कहते ये चार गुरबार गिस ने आइस ने तेहा गुरबार शुक्रबार के नहीं मांगे नहीं मांगे मांगे से नहीं है लेकिन महू नहीं के पैसा पैसे लागे का बरसती की हूँ मोर गला गोट कछु नहीं बने बाबू मोर समस्या ला समझो तुम गोठिया में का है मोर दहार नाती है कुछ है नाती है डोकरा को ले हमारे इसलिए मोर कसो गए ने पेंशन मिलते कि नहीं मिले? मिला थे लेकिन यार 8 महीना हो गया मन ये नहीं मिली से 8 महीना का बारी हो गए ने कहा नहीं मिली सर पेंशन नहीं मिला थे अभी 8 महीना हो गए। हाँ वो ये बना बल लागी का मोबाइल लिंक करना पड़ेगा सर। हाँ लिंक करे पता नहीं खाता वाले हैं लोग तो मोबाइल लिंक नहीं करवाए अभी नहीं करवाए हो देख बाबू 2 दिन लगी से जो अभी नहीं बना दी से। अच्छा। लेकिन ओकर बतो मला तकलीफ नहीं है ना तक लेकिन मोर बेटी का तकलीफ है और नाती के मोर पढ़ाई के कर दो। पढ़ाई के का तकलीफ है? अब दही नहीं है बुआ नहीं है अभी शिशु मंदिर में ली से पढ़ाई 8 साल तक फ्री में। कहाँ में जाते? भुकेल। अच्छा भुकेल में। हाँ और एक ठा नाती है रोजे कॉलेज कर रहे थे सरईपाली में। हमारे मृत्यु प्रमाण पर बना हम SDM और जनपद से वाला बोलबो हमन उच्च अधिकारी है। हाँ। ग्राम पंचायत में ऐसे समस्या है कि एक बच्चे के मृत्यु प्रमाण पत्र घूम रहे हैं परिवार बोल के। हाँ। सचिव घुमा रहे बोल के हम लोग बताएंगे। हाँ। ठीक है वो। हाँ। मोर बड़े बहु के विकलांग पवनी बना थे ये का कहते हैं पेंशन विधवा पेंशन सोर नहीं होएगा गोठ काट के नहीं विधवा पेंशन के 5 फार्म भरे से नहीं एक ही फार्म नहीं आई। अच्छा के साल भरे थे? 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए भरे थे फार्म गोढ़ियारी के सरपंच ला दे रहे ये सचुला दे रहे सचुला दे हैं हमार सचुरी तेहुला दे रहे राजकुमार आपका नाम है? अच्छा क्या क्या समस्या है ग्राम पंचायत में और कितना विकास हुआ अभी कांग्रेस के कार्यकाल में? पंच सरपंच लोग सचिव लोग कितना विकास हुआ क्योंकि देख रहे हैं एक महिला का तो मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तो घुमाते हैं सचिव से नहीं तो क्या ऐसी बात है मृत्यु प्रमाण पत्र में भ्रष्टाचार होता है क्या? पता नहीं सर क्या घुमाते हैं पता नहीं कैसे उनका अधिकार है मृत्यु प्रमाण पत्र रहना वो मेरे को बोल रहा था उनका भी नहीं मिला है। क्या नाम है उनका? अग्नु अग्नु मतलब अग्नु चौहान बोल रहे थे उनका मतलब पत्नी खत्म हो गया है 8 महीना हो गया उनका भी नहीं बन रहा है सचिव घुमा रहा है सप्ताह का टाइम लेते हैं लेकिन कभी नहीं बना सकते देते हैं। अच्छा सचिव के कार्यकाल से इतना संतुष्ट है? सचिव आते हैं उनके काम करते हैं संतुष्ट हैं? पंचायत में तो आते हैं लेकिन वही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं बना दे रहे हैं समझ जाओ कुछ नहीं बना रहे सचिव स्कूल नहीं है सड़क नहीं है पानी नहीं है पूरा पाली में बोर के लिए तो बोले थे लेकिन वही बारिश हो गया और गाड़ी वाड़ी नहीं आते हैं। उनको कहना है कि पीछे 6 महीना से हम लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। हाँ पानी के लिए तो है समस्या। अच्छा अभी चुनावी माहौल है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आपके गांव में तो कुछ विकास नहीं दिखाई दे रहा है तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? सरकार का तो कह नहीं सकते अभी तो कांग्रेस का सरकार है लेकिन ठीक ही है कांग्रेस किसानों के लिए अच्छा काम हुआ है। अच्छा बसना विधानसभा की बात करते हैं हम लोग कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में आपके गांव का स्थिति बहुत ही खराब है कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में आए हैं? अभी तो कोई नहीं आए हैं। कोई भी नेता जनसंपर्क में नहीं आए हैं? बीजेपी से? बीजेपी से भी नहीं आए हैं ना कांग्रेस से नहीं आए हैं। विधायक जी का आना होता है गाँव? विधायक जी आए थे एक बार दादाजी का नाम है तो बोले जा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार यादव। अच्छा बताइए क्या क्या समस्या है गांव में? समस्या तो बहुत है
लेकिन आज कह देवे काल नहीं करें। अच्छा। भूला जाएंगे। देख एक समस्या यार हो, हो, हो है। हाँ। एक समस्या पानी के है। हाँ। एक समस्या स्कूल के है। हाँ। है? हाँ। आज ते कहा था ना। हाँ। तो आज भूला जाए। अच्छा। मतलब अभी मतलब एमन असुविधा है, फिर तुम भाग्यो ना, एमन कोई नहीं करे, एमन के का कांटा है जो नहीं करे उ मन जाने। अच्छा। हाँ, एमन के का कांटा है, कौन का कैसे करते, और काबर नहीं आए सचिव, और हर रोज आते बर्फलाडी में काबर अटक जाते, कौन ओला का थे कि खोरापाली नहीं जाओ कहके, है और कुछ भी मतलब ते ओकर कर बनवा जावे ना, तो वो का कहते मोर घर नहीं भेजियो, ट्रैक्टर में आ जही तो लाल हम मारबो गुनेगा, है जो हमार समस्या है ओला कबोगा कि इसने है किसने ते बना दे, है वो हाँ हाँ कहते ओकर बाद नहीं आयो यार। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव है। हाँ। नेता मन का तुम्हारे गांव आते हैं देखे पर? नहीं तो आई नहीं है। अच्छा, विधान चुनाव है तो जनसंपर्क करते हैं बीजेपी के कोई नेता मन, कांग्रेस के नेता मन? बीजेपी के एक जन नेता आ रही, सो नेता ला मैं नहीं जानो। हाँ। वो बर्फलाडी के बसंत के संग में आ रही, शिकार मोटा ला खड़े करी से वो मन ई अंगिन है। अच्छा। हाँ, गौशाला देखे बार। हाँ। कबर हाँ गौशाला देखे और गिने है, और रोड ला घोले देखे और गिने है। तो हम जैसे अभी गोबर के अभी मतलब बिक्री है, तो गोबर ला हम कैसे करके ले, वो तू इसने कन्हार माटी लटकत है हागा, और गोबर के अभी बिक्री होते तो बोला हम किस गौठानी दे दादेर में है, गाय दे पास में है, रोड खराब है। खराब इसने छे साहब, इसने छे नहीं जाए साइकिल, नहीं मोटर गाड़ी कुछ नहीं जाए। बात करता हूँ। हाँ। मैम आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम श्रीमती नीलेंद्री पटेल है। प्रधान पाठक है? प्रधान पाठक हूँ। तो मैम स्कूल के हालात के बारे में कुछ बताएंगे, पानी और जो वो है उसके बारे में? आप तो देख लिए होंगे, यहाँ पर आप जाके आप देख लो, कोई भी सुविधा नहीं है, और मैं एक ही शिक्षक हूँ और एक ही कमरा है, पांचों क्लास हैं, कैसे पढ़ा रही हूँ आप अनुमान लगा सकते हैं, और पास हो गया है तो बोल रहे हैं जी। लेकिन अब कार्य तो शुरू नहीं हुआ है ना, अभी तो कोई देखने नहीं आया। 28 हैं। 28 हैं। एक ही भवन पढ़ाते हैं तो उच्च अधिकारियों के आपने जान, हाँ सब उच्च अधिकारियों के जानकारी में है, सब में है, और शायद पास हो गया है। मैम पानी का कितना समस्या होता है? पानी का तो वहाँ पर ये स्कूल का बाहर में है जी। जो कि गंदा पानी कभी कभी आ जाता है बरसात में, और अंदर में जो आंगनबाड़ी का बोरिंग था उसमें वो नल जल योजना के तहत बोर डलवा दिए थे, लेकिन वो कभी काम नहीं आता, पानी शायद लेवल नीचे है। अच्छा जी। उसमें बोर मोटर दो बार बनवा के काम है कि पंचायत का काम है? अब देखिए तो दोनों का ही हो सकता है जी। विभाग की तरफ से भी मैंने कोशिश की, पंचायत वालों को, ये सामने में पंच लोग हैं, इनको भी मैंने बताया है जी। दोनों तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके सामने सरपंच प्रतिनिधि किया चर्चा? इनसे तो मैं नहीं बोली हूँ, लेकिन गांव के पंच हैं, क्योंकि ये बाहर हैं। अच्छा जी। इनसे मैं थोड़ी मिल सकती हूँ, ये जैसे आते हैं तो मेरा काम रहेगा तभी मैं मिल पाऊंगी। अच्छा। लेकिन जो पंच हैं यहाँ के, उनसे हमेशा ये सामने में है, पूछ लीजिए। उच्च अधिकारी क्या कहते हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी? हाँ, सबको सूचना दी हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते, सबके सब जानते हैं, और मेरे तरफ से जो भी कार्यवाही है मैंने वो किया है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो आखिर में जैसे के तैसे तो चल रहा है। संतलाल चौक कहाँ पे? यही से रहने वाला। विधानसभा चुनाव में काकर माहौल चला था अभी, बीजेपी के कांग्रेस के? अब काकर ला बताओ सर। हाँ, का लगा थे चुनाव कौन जीत लिखा रही है अभी, काकर सरकार को नहीं, कांग्रेस के बीजेपी के? हाँ, बसना क्षेत्र ले। हाँ, बसना के बता। हाँ, बसना क्षेत्र ले तो लगते हम लोग संपत भैया ही जैसे। अच्छा, संपत भैया। हाँ, बीजेपी ले जैसे टिकट मिला थे तो। टिकट मिला थे तो। हाँ, बताएंगे एको का जनसंपर्क में तो इसने संपत भैया तो एक बार आ रही, लेकिन कोई नहीं ठुल आके एक बार आए भी रही से। एक बार आ रही बीच में है। प्रकित बाग, प्रकित बाग ग्राम खोरापाली के रहने वाले। काकर माहौल चला थे बता, कांग्रेस के बीजेपी के? अभी तो कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, मालूम नहीं है। वहाँ बोर्ड करता थे? हाँ। अच्छा, तो किसान थे? किसान। समर्थन मूल्य में धान बेचे हो गए? हाँ। इसो भूपेश की सरकार का तक समर्थन मूल्य रखे पता है का? पता तो नहीं है। 2800 रुपया और 20 क्विंटल धान खरीदना है। हाँ। तो आप मन का कांग्रेस समर्थक हो बीजेपी समर्थक हो कि जो जो अच्छा घोषणा करते वाला देख के बोर्ड देते हो? तो वैसे नहीं है। हाँ, मतलब अपन हिसाब से। अच्छा, अपन हिसाब से। तो अभी का लागत है कौन भी विकास हुई से कांग्रेस कार्यकाल में? तो विकास तो है ऐसे, मतलब धान वान पर। अच्छा, धान वान विकास से क्या के विकास का हो? गांव का विकास अभी नहीं है। नहीं है सर। अरे गांव के विकास नहीं हो इसे। आप ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं जी, आप तो ग्रामीणों से मिलते ही होंगे जी। जी, अभी क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, मतलब विधानसभा चुनाव में? अभी तो फिलहाल लगता है हमारे बर्फलाडी खोरापाली में राजा ज्यादातर आए हैं जी, है ना, तो मुझे लगता है कि राजा ही
अच्छा आप गांव से लीड में रहेंगे? हाँ, लीड में रहेंगे। लेकिन हम लोग बसना विधानसभा के चुनाव की बात करें, क्या राजा साहब इस बार फिर जीतेंगे? अब कह नहीं सकता, चुनाव की बात है जी जी। है ना कि यहाँ संपत अग्रवाल भी हर तरफ जो आप संपत 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 भैया बोल रहे हैं। अच्छा जी जी। तो अब बता नहीं सकता हूँ कि कौन जीत सकते हैं कौन हार सकते हैं। ये बताइए कि विकास कितना हुआ कांग्रेस कार्यकाल में, कितना काम मिला आपको? कांग्रेस काल में अच्छा काम मिला है मुझे जी। है ना, सीसी रोड मिला है, क्या बोलते सामुदायिक भवन मिला है जी। और एक रंगमंच मिला है। अच्छा मुझे मतलब कांग्रेस कार्यकाल में मुझे अच्छा खासा काम करने को। राज्य में किसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है आपको, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में तो माहौल वही फिर भूपेश भैया की माहौल दिख रही है। भाजपा भी फिर से धान का जो समर्थन मूल्य 3,000 करने की बात करती है, तो उसे लगता है कि मतलब कुछ वही तो जी जी जी। अभी भाजपा सरकार ना पहले वाला ही बोनस नहीं दिया है। अच्छा हाँ। तो मुझे लगता नहीं कि भाजपा सरकार फिर आएगा। अच्छा मतलब फिर से भरोसा करना? हाँ, फिर भूपेश है तो भरोसा है बोलते हैं ना। अच्छा, जी, जी। तो भूपेश है तो भरोसा है। तो फिर कल हम लोग महासमुंद गए थे जी। तो वही तो बोले कि हर साल बढ़ेगा धान। अच्छा जी। नहीं, पहले साल 2640 रुपया जी। उसके बाद अगले साल फिर ऐसे 2800 करेगा, उसके बाद 3200 करेगा। तो कहीं ना कहीं फिर सरकार तो कांग्रेस सरकार ही आएगा वो। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार मोदी की सरकार है जी, क्या उन पर मोदी की मतलब छत्तीसगढ़ की जनता वोट करेंगे मोदी जी पर, ऐसे लगता है आपको? हाँ, ये फिर एक बार तो मोदी तिरंगा लहरा सकता है। अच्छा, क्या है केंद्र में मोदी तो केंद्र में ठीक है, लेकिन राज्य में क्या उनको देख कर वोट करेंगे? राज्य में उनको देख के तो वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब देखो तो मोदी हर केंद्र में सब बोलते हैं कि मोदी, तो शायद केंद्र में मोदी ही रहेंगे ऐसा लगता है मुझे। प्रधानमंत्री आवास का स्थिति कैसा था 4 सालों में, कितना बना आपके ग्राम पंचायत? हमारे कार्यकाल में तो बंद ही हो गया था। अच्छा। अभी अभी शुरू हुआ है, तो जो जो मिल रहा है ना उनको पूछ लीजिए। हाँ, बना रहे हैं। दो बार मिल रहा है आदमी को, नहीं मिल रहा है ना। किसको दो बार मिला? हाँ, देखो तो मेरे कार्यकाल में ना जैसे ही सरपंच बना है उसके बाद बंद हो गया, मतलब कि प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया। तो अभी जस्ट अभी अभी किसको किसको मिला है ना, कितना मेरे यहाँ कम से कम तो दोनों का मिला के कम से कम 25-30 है ऐसे लगता है मुझे, मैं देखा नहीं हूँ लिस्ट को। क्या है सब कुछ सामाजिक आकांक्षण हुआ मतलब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जी, तो लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि मैंने कई जनप्रतिनिधि सुना कि उसमें सीएम हाउस मिलेगा, सीएम हाउस जी जी ऐसा बोल रहे थे जी कि मिलेगा बोल के। अच्छा, तो आपने कुछ प्रस्ताव भेजा है कि अपने यहाँ से ऐसे सोचिए ऐसे कुछ? नहीं, वो तो प्रस्ताव वो लोग कर रहे थे सर, मतलब कि ना जगह जगह घूम घूम के सर लोग। अच्छा जी। सर और सचिव। हाँ। और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे डबल आवास मिला थे? हाँ, यहाँ मिला थे। हाँ। कैसे का नाम है, जाना सर नाम थे? जाना था ना, और मोहल्ला में मिले है। अच्छा, तो 16-17 में मिले थे, अभी फिर वाला मिले है। 16-17 में क्या मिले रही, प्रधानमंत्री आवास मिले रही? हाँ, लिखा है ओकर घर में, दिखा दी हूँ मैं। 16-17 में प्रधानमंत्री आवास मिले रही। हाँ, ओकर बाद फिर वाला प्रधानमंत्री आवास ओकर बीबी के नाम से मिले, पहले ओकर पति के नाम से रही, ओकर बाद बीबी के नाम से मिले। हाँ, दोनों जन का नाम बता तो क्या करो थे? प्रेम साय और हीरामोती है। प्रेम साय और हीरामोती? हाँ। अच्छा, तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो कैसे बन गया आप? मेरा झोपड़ पट्टी है, मेरे कई बार जियो सेटिंग करने के बावजूद मेरे को कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो, और मैं भूमिहीन से हूँ। अच्छा। हाँ, आप भूमिहीन हो? हाँ। तो राजीव गांधी किसान योजना जो भूमिहीन, हाँ उनका मिलता है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, लेकिन आवाज नहीं मिला? बोलो, आवाज नहीं मिला मेरे को। प्रेम साय वो पात्र है? हाँ, पात्र व्यक्ति तो है पात्र, लेकिन डबल मिला बोलो? हाँ। तो डबल कैसे मिल गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो भाई क्या है ये, हो सकता है ग्राम पंचायत की लापरवाही हो। यहाँ से जब प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे तो कहाँ से प्रस्ताव होगा, बताओ ना। 2016-17 में तो इनका कार्यकाल नहीं था सर, इसका कार्यकाल नहीं था, इनके कार्यकाल में भी मिला है इनको? हाँ, अभी मिला है, अभी रनिंग में है, रनिंग में है, अभी रनिंग में है। हाँ, मतलब कितना किस्त मिला है? सेकंड किस्त मिल चुका है। सेकंड किस्त? हाँ। तो आपने इस बात की जानकारी कि उनके पूरा फर्ज मिल गया था बोल के? पूछो, फोन करके बोला था, मेरे कार्यकाल का नहीं है बोला। अच्छा, ऐसे पंच प्रतिनिधि बताइए, जब आपने जानकारी दिया कि 2016-17 में उनका पति के नाम में जी जी,
तो 16-17 में इनको मिला था, मुझको पता नहीं था नहीं, लेकिन ये बताए कि 16-17 में मिल गया है। तो मैंने वो क्या बोलते हैं रोजगार साहब को बोला था, नाम क्या रोजगार साहब, बेदलाल बाग जी। तो उनको बोला था कि चेक करवा लेना डबल मिला है कि सिंगल मिला है, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, क्या है पहले कार्यकाल का है और दूसरा में नाम नहीं बताता है सर। तो अब दूसरा में बना रहा है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में पूरा जानकारी रोजगार साहब की देगा। हमारे तो बहुत प्रमोशन है, क्या हो गए हम लोग पेंशन वाला नहीं मिले ना। के साल हो गए, क्या नाम है तो? नानकुन भाई। अच्छा के साल हो गए हमला? हाँ अभी तो हमारे छोटे मला दे थे, तो हम के साल उम्र बताऊ, उम्र देख ले होते हैं ये कर ले। अच्छा तो छोटे मला मिलते हैं? हाँ आप हमारे छोटे मला मिला थे कहीं थे। ग्राम पंचायत में आवेदन करे पेंशन भर क्या घाव देगा पहली के सरपंच रही इतना तेहर ना और बसरा में खुद ये कर रही तो लेकिन मिली कहीं कभू नहीं मिली तो हम ओकर ये छोड़ गए। अच्छा अभी के नया जो कार्यकाल है सरपंच है वो में करे वो सरपंच लग होले कहे नहीं आवेदन करे का ग्राम अभी वो सचिव गोटे आते तिलक कहे रही दूधी पाली के। हाँ नहीं कबू जाके पेंशन पर फार्म भरे का भी? हाँ मन फार्म वार्म ले लानियो कही तो हाँ। तीन आदमी हाँ दू जो बुहाती मोल नाती बहु है हाँ। वो 5 साल के ये है लेकिन ओकरो घोले कुछ नहीं बनी तो नहीं हमरो घोले तो फार्म लेके लेके आए तो बात भर के सचिव ला दे दे काल अहाँ कही हाँ। काल नहीं पर नहीं अभी तक सचिव के पता नहीं पता नहीं है हाँ। महीना हो गए इसे करत यार तो 6 महीना ले भारी अच्छा, 6 महीना हो गए हाँ। तो 6 महीना में तो सचिव ला के बार लेकर रहे और सचिव ला ये सचिव कर कागज ले छोड़ दे रहे। अच्छा कागज अभी छोड़ दे अभी ले लानी हन का बरोला छोड़बो नी बना दिन ते कर ले हम कागज घर में रहे घर में है का बरोला आशा करबो नी तो मिला तेला का आशा करबो। तो सरपंच सचिव के कार्यकाल संतुष्ट है अच्छा काम करवाई ने सरपंच सचिव में? अब मोला जाना निये नी आना निये घर में हूँ काम तो नहीं हुई सर मोर काम नहीं हुई हाँ। हमार तो झोपड़ पट्टी में हम साड़ी हुई सब लग घेर के हन प्रधानमंत्री आवास नहीं मिली थी था वो सूची में नाम हुई है आओ ये कि नीते लो सचिव सरपंच मन जानी। जैसे सर आप सचिव के कार्यकाल को देख रहे हैं आप बोलते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ लेकिन यहाँ तो आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पेंशन के लिए 6-6 माह हो गया साल भर हो गया घूम रहे हैं सर पेंशन के लिए इसके बारे में मुझे नहीं पता था। अच्छा है ना ये मुझे कभी बताया भी नहीं थे कि पेंशन के लिए तो पूछ लीजिए। गांव में आते हैं कैसे मतलब आप तो जनप्रतिनिधि हरा के आपकी मम्मी जी सरपंच है जी जी तो नहीं मैं तो यहाँ ही रहता हूँ सर पूछ लीजिए घूमते रहता हूँ क्या है घूमते रहता फिर भी आप लोगों की समस्याओं को आप समाधान नहीं कर पा रहे तो क्या समझ वही तो पेंशन मुझे बताया नहीं है पेंशन के पूछ लीजिए कैसे वो हम तो खुद अला सरपंच ला नहीं चिन्हे हन। अच्छा सरपंच ला नहीं चिन्हे नहीं चिन्हे हन पूछ ले पूछ नाम है पहली बार आएगा अब 4 साल बाद है पहली बार आया साहब तो ए मोर मतलब नहीं ले ना मोर मतलब कांग्रेस के काल में कतक विकास है तुम्हारे काम में विकास हो काम कांग्रेस शासन में? अच्छा वो है नहीं होने वाली बात नहीं है पानी नहीं है रोड नहीं है रोड तो नहीं रोड है गली कांक्रीटी होना है। अच्छा कम से कम 500 मीटर और पानी की क्या स्थिति है नल जल के? नल जल तो कहाँ नल जल पर खोल दे खाली गड्ढा खोल दे सीसी रोड तोड़ दे साल भर हो गया पूरा ठेकेदार का कहते हैं ठेकेदार ला बात कर ले पैसा रिलीज नहीं होते बोलते। अच्छा पैसा रिलीज नहीं होते हाँ। तो कोई भी नल जल में पानी नहीं पहुंच पैसे टंकी नल तो बन गए पानी टंकी भी निर्माण नहीं हो बसना विधानसभा के बात करूँगा राजा साहब के संपत अग्रवाल के बसना विधानसभा तो त्रिकोणीय को काबला होना है वाला है विस्तृत जानकारी बता दे विस्तृत जानकारी का यहाँ तो लोकल प्रत्याशी ज्यादा खोजे थे ना। अच्छा आदमी लोकल प्रत्याशी खोजे थे हाँ। तो कौन है लोकल प्रत्याशी अभी तो फिलहाल बीजेपी ले कांग्रेस में बीजेपी ले संपत अग्रवाल के नाम चले थे। अच्छा हाँ। और कांग्रेस पार्टी ले देवन बहादुर के। अच्छा तो राजा साहब तो लोकल प्रत्याशी हो कि नहीं हो राजा साहब सरीपल्ली के निवासी है वैसे राजा राजमहल है। अच्छा जरूर लेकिन ज्यादा करके संपत अग्रवाल लोकल है। अच्छा ज्यादा करके संपत अग्रवाल है हाँ। तो क्या लगते कौन जीत दिलाई सकते बीजेपी जी के वही बनी प्रदेश में सरकार की कांग्रेस का सरकार तो बनी ही। अच्छा। बाकी सीट के हेर फेर हो सकते कम बेसी। अच्छा कम बेसी हो सकते हाँ।
लेकिन बसना में त्रिकोणीय होई, बसना में त्रिकोणीय होई, अगर मान ले जाए संपत ला टिकट मिली बीजेपी ले तो चुनाव जीत जाही। हमारो नहीं मिले के नड़दे लड़ी है से का, अब ये तो अगर विचार है संपत अग्रवाल के तरह माहौल देके का लागथे कि लड़ना चाहिए, जैसे प्रकार के 5 साल ले काम करे थे तो निर्दलीय लग सके थे, निर्दलीय ले चुनाव निकाल ले, निर्दलीय ले थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करे लागही। राजा साहब के कार्यकाल से कदर संतुष्ट रहते? राजा काल नहीं, भूपेश बघेल के कार्यकाल से। राजा साहब के बोलत हूँ, 5 साल हमारे एरिया के विधायक रही बसना विधानसभा के, तो वो कछु गांव में विकास काम आस पास आते देखता करते गांव के का स्थिति है ऐसे पूछना चाहता हूँ मैं। अब देखो ये तो रोड बने है, हाँ। अभी जो बने है, हाँ। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो नहीं बने, विधायक अनुशंसा कर रहे हैं, विधायक अनुशंसा करे है लेकिन पूर्व के अनुशंसा बोलते हैं, पूर्व मतलब बीजेपी का, हाँ रूप कुमारी चौधरी जब विधायक रही ना तब से अनुशंसा हो रही। रोड अभी, हाँ अभी बने हैं, साल भर होते हैं।